मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आज ढेर सारी इंटरेस्टिंग चीजें और आपकी कुछ प्रॉब्लम्स की हम बात करेंगे, कैसे उनको दूर करना है उसकी कुछ खास टेक्निक्स, कुछ खास तरीके जानेंगे। यही सारी इंटरेस्टिंग बातें शुरू करने के लिए जरूरी है कि हम फटाफट शो को शुरू करें हेडलाइंस के साथ। शनि की दशा चल रही होगी तो कोई भी काम नहीं बनेगा, शनि के कोप से बचाने वाले टोटके। पैसा, खुद का मकान, मानसिक शांति, ये जानिए तीन महा उपाय में। पथरी है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं, लेकिन मेरे बताए कुछ घरेलू नुस्खे भी जरूर अपनाएं। राशि के हिसाब से जानिए कि आपका कल का बाकी टाइम क्या है। दिन को अच्छा बनाने वाली टिप कौन सी है। चेहरे को खूबसूरत बनाने वाली ब्यूटी टिप। मैं आपको बार बार इस बात का जोर देती हूँ कि अपनी प्रॉब्लम्स हमें लिख के जरूर दें मेल पे। इससे मुझे पता चलता है कि कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं, ताकि उसके हिसाब से हम उपाय के ऊपर काम कर आपके लिए प्रेजेंट कर सकें। तो इसी तरह से पता चला कि काफी लोगों को स्टोन यानी कि पथरी की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी में, किसी को गॉल ब्लैडर में। तो हमने सोचा उसके लिए क्यों ना आपको घरेलू उपाय बताए, जिससे हम उपाय के ऊपर काम कर आपके लिए प्रेजेंट कर सकें। तो इसी तरह से पता चला कि काफी लोगों को स्टोन यानी कि पथरी की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी में, किसी को गॉल ब्लैडर में। तो हमने सोचा उसके लिए क्यों ना आपको घरेलू उपाय बताए जाए, जो आपको डॉक्टर की दवाई के साथ लेने हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगी दो महा उपाय, जिसमें आप अपना घर भी बना सकेंगे, अपनी परेशानियों को भी दूर कर सकेंगे, और तीसरा महा उपाय शो के एंड में आपको देंगे। अगर आप किराए के घर में रहकर थक गए हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, कई बार फंड्स भी होते हैं, लोन भी अरेंज हो सकता है, पर घर का योग ही नहीं बनता, टलता चला जाता है, ऐसे में आपको क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है कि आपको हर शुक्रवार को नियम से किसी भूखे को यानी कि किसी जरूरतमंद को खाना खिलाना है। संडे के दिन गाय को गुड़ खिलाना है। ऐसा अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपके असेट्स, आपकी पैतृक संपत्ति, आपके फिक्स्ड एसेट्स बढ़ने लग जाते हैं। ये जो काम आपको करना है ये वैसे तो आप नवरात्रि के दिनों में अष्टमी से कर सकते हैं, लेकिन अगर ये उपाय आप शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से शुरू करते हैं और फिर बस कैरी ऑन करते हैं, और इसके साथ साथ अपने घर के लिए आप एक काम तो और कर ही सकते हैं, मैं आपको बताने वाली हूँ क्या। सुबह उठकर पूजा घर में गंगा जल, अगर गंगा जल नहीं है तो आपके यहाँ जो बोरिंग का जल हो या जो भी अंडरग्राउंड वाटर अगर हो तो उसके छींटे लगाएं पूजा घर में। फिर एक चौकी पर या एक मेज पर आप दुर्गा जी के चित्र के सामने ईस्ट की तरफ मुंह करते हुए उसके सामने 5 ग्राम सिक्के यानी कि 5 सिल्वर कॉइन्स या कोई भी कॉइन्स आप रख लें, इन सिक्कों के ऊपर आप रोली, लाल चंदन, गुलाब का फूल चढ़ाएं। इसके बाद माता से प्रार्थना करें कि इन सबको आपकी जो प्रोस्पेरिटी है उसको बढ़ा लें। इन सबको एक पोटली में बांधे, कपड़े में बांधे और अपने यहाँ तिजोरी में, अलमारी में कहीं रख लें। ये जो टोटका है आपको एवरी 6 मंथ्स के बाद दोहराना है, आपके असेट्स बढ़ते चले जाएंगे। धन प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है कि हर एकादशी को आपको माँ लक्ष्मी के आगे 9 बाती वाला, 9 मुख वाला शुद्ध घी का दीपक जलाना है। इसके बाद घर के मेन दरवाजे पर आपको तांबे के सिक्के को लाल रंग के धागे में बांध कर या लाल कपड़े में बांध कर ऊपर दरवाजे पर टांग देना है। और शनिवार को आपको पशुओं को रोटी खिलानी है, पशु मतलब क्रो और डॉग्स को आपको सैटरडे को रोटी जरूर खिलानी है। वैसे तो आपको रोज खिलानी चाहिए, जानते हैं क्यों? क्योंकि इससे आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं, और जब आपके पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपके एसेट्स, आपके पैसे हमेशा बढ़ते हैं। अगर आपके अंदर तरह तरह के डर हैं, आप सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, अरे उसने देख लिया तो क्या होगा, वो क्या सोचेगा, ऐसा हो जाएगा तो कैसा होगा, ये नुकसान हो जाएगा, तरह तरह के डर हैं आपके अंदर, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम खराब रहती है स्ट्रेस की वजह से, तो इसको आज हम दूर करेंगे। थोड़ी ही देर में इसके लिए खास चीज आपको बताऊंगी, लेकिन पहले स्टोन की, शरीर में जो स्टोन डेवलप होते हैं, पथरी, उसकी बात करते हैं। क्या आप जानते हैं हरा नारियल पीने से यानी कि कोकोनट वाटर पीने से पथरी में काफी फायदा होता है। पथरी होने पर आप एक नारियल के पानी में आधा नींबू का रस मिलाकर रोज पिएं। इसके अलावा आंवला पथरी के लिए बहुत फायदा करता है। आंवले का चूर्ण मूली के साथ खाने पर पथरी अपने आप निकल जाती है। एक उपाय आप और कर सकते हैं पथरी के, 15 दाने बड़ी इलायची के, इसके साथ 1 चम्मच खरबूजे के बीज
और 2 चम्मच मिश्री। इस कप को 1 कप पानी में मिलाकर सुबह शाम पीने से आप 2 या 3 बार भी ले सकते हैं, पथरी अपने आप निकल जाती है। जल्दी मैं बात करूंगी कि खीरा और दही आपके लिए क्या क्या कर सकती है। जी हाँ, लेकिन उससे पहले हम 4 राशियों की बात करते हैं। हो सकता है कल मेष राशि वालों की जो सोच है वो इनस्टेबल हो जाए, अस्थिर हो जाए, तो अच्छा रहेगा कि एकदम से किसी भी डिसीजन पे नहीं आना है कल। लकी समय रहेगा कल दोपहर 12:35। वृष राशि वाले लोग कल 2 नारियल सूर्य भगवान को अर्पित करेंगे, दिन बहुत अच्छा रहेगा। आपका लकी समय रहेगा कल सुबह 8:04। कल मिथुन राशि वाले शांति से काम करेंगे, और अगर शांति नहीं आ रही हो जिंदगी में तो क्या करेंगे, तो थोड़ी सी इलायची, हरी इलायची जेब में डालकर काम पे जाएंगे। लकी समय रहेगा कल दोपहर 3:19। कर्क राशि वाले लोग कल गुरु की सलाह लेंगे, या किसी भी काम में अगर कंफ्यूज्ड हैं तो आप पर्ची डालकर अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने भगवान, जिनको भी मानते हैं, उनके आगे रखें, पर्ची निकालें, आपका जो भी प्रॉब्लम है कल के दिन उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। लकी समय रहेगा आज शाम 4:13। इससे मुझे याद आया, अपनी कंफ्यूजन का सोल्यूशन आप आज ही 4:15 क्यों नहीं निकालते, 4:13 पे हर प्रॉब्लम का आंसर मिलेगा। मैंने सोचा कि क्यों ना आपको बताया जाए कि शरीर पर तिल होने का क्या मतलब होता है। अलग अलग प्लेसेस की आज हम बात करेंगे, उसका मतलब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले खीरे और दही की बात। दही और खीरे को मिलाकर एक बेहतरीन फेस मास्क बन सकता है। आपको क्या करना है कि दही के अंदर आपको खीरा पिसा हुआ मिलाना है, ग्रेटेड नहीं, पिसा हुआ खीरा। इसको मिलाकर जब आप अपने पिंपल्स पे या अपनी ड्राई स्किन पर लगाते हैं तो आपकी स्किन नेचुरली मॉइस्चराइज्ड होती है, उसमें एक सॉफ्टनेस आती है, और इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि आप जब आधे घंटे बाद अपनी स्किन धोएंगे तो आपको हैरानी होगी, क्योंकि ये आपके डार्क सर्कल्स के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। हमें पता चला मेल्स के जरिए ही कि बहुत सारी फीमेल्स किचन में बहुत सारा काम करती हैं, तो उनके हाथ बिल्कुल रफ और उनके हाथ बिल्कुल ड्राई हैं। मैं हमेशा इस बात के लिए आपको कहती हूँ कि आपके हाथ की स्किन वैसी ही होगी जैसे आपकी किस्मत की स्किन होगी, तो प्लीज हाथों को नरम रखें। आप इतने ज्यादा बर्तन धोएंगी तो सब धुलता चला जाएगा, तो इसके लिए क्या करें, हाथों को सॉफ्ट बनाने के लिए ग्लिसरिन और गुलाब जल को मिलाकर नींबू के साथ, नींबू के जूस के साथ मिलाकर एक बॉटल में रख लें। कुछ भी काम करने के बाद आप इसको अपने हाथों पर लगाएं। मैं तो आपको कहूंगी अपने बाथरूम में ही फेस वॉश की जगह पे लगा दें। जब वो बॉटल खाली हो जाती है फेस वॉश की, उसको अच्छे से धोएं, उसी के अंदर रखें। आप प्रेस करेंगे वो निकल आएगा। इसको बार बार हाथ पर लगाने से आपके हाथों की स्किन, आपके फेस की स्किन सॉफ्ट रहेगी और आपकी स्किन ग्लो करेगी। अगर चल रही है शनि की दशा, तो उससे निजात पाने के लिए, अपनी रुकावटों को दूर करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले तिल कहाँ कहाँ होने से क्या क्या पता चलता है ये जानते हैं। जिसके माथे पर तिल होता है उसके अंदर ताकत होती है, सोच की ताकत। जिसके चिन पर तिल हो ऐसे इंसान का किसी भी फीमेल से हमेशा कुछ ना कुछ मन मुटाव रहेगा, और अगर किसी फीमेल के तिल है तो उसकी लाइफ में भी एक और फीमेल होगी जो बहुत मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगी। किसी के दोनों आईब्रोज पर तिल हो तो ऐसे लोग ज्यादा समय ट्रैवलिंग में बिताते हैं। अगर किसी की राइट आंख पे तिल है तो ऐसा इंसान या ऐसी फीमेल अपने पार्टनर को छोड़कर किसी और से रिलेशनशिप में ज्यादा खुश रहेंगी, या ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि इनके रिलेशनशिप बन जाते हैं। किसी की अगर लेफ्ट बाई आंख पर तिल है तो ऐसी फीमेल जो या मेल जो है वो हर समय स्ट्रेस में रहती है और खूब झगड़ा करती है, मेल हो या फीमेल। अगर किसी के राइट गाल पे तिल है तो ऐसा इंसान फाइनेंशियली रिच होता है मगर थोड़ा ईगोइस्टिक भी होता है। अब मैं सारी फीमेल से बात करना चाहती हूँ, जरा आप मेरी तरफ ध्यान दें। एक बात बताएं, दिन में कितने घंटे किचन में लगाती हैं? 3 से 4 घंटे कम से कम, सुबह से रात तक हर समय किचन में ही आपका ध्यान रहता है। अगर ये किचन वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है तो आपका स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, बीमारियां बढ़ सकती हैं। कैसे करें हम आपके किचन को परफेक्ट, ये मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले शनि को करते हैं परफेक्ट। शनि की अगर दशा चल रही हो, अंतर दशा चल रही हो, या अगर आपके काम वैसे ही लटक रहे हो, तो शनि महाराज कुछ ना कुछ रोल कर ही देते हैं। आपको शनि को बलवान करना ही पड़ेगा, नहीं तो जॉब में प्रॉब्लम आ जाएगी,
बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाएगी, किस्मत में प्रॉब्लम आ जाएगी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी। कैसे करना है इनका सुधार जानते हैं। अगर शनि का प्रकोप होता है तो बात बात पर गुस्सा आ जाता है, डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो वीक हो जाती है, जल्दी फैसला नहीं ले पाते, मैरिड लाइफ में भी कलह हो जाता है, बिजनेस में मेहनत करने के बाद भी बिजनेस यूं नीचे जाने लगता है। आपको ऐसा हो सकता है कि एसिडिटी या एयर रिलेटेड प्रॉब्लम हो, घुटने में दर्द हो, गठिया हो, पैरों में दर्द हो, अचानक कोई मिस हैपनिंग हो जाए, शनि का कमाल। तो आपको क्या उपाय करना है शनिदेव के लिए जानेंगे। शनिवार के दिन आपको 3 मोरपंख लेने हैं, पंखों को नीचे काले धागे से बांध देना है, एक थाली में रखना है, उसके साथ 3 सुपारियां रखकर गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार जो मैं मंत्र बताने जा रही हूँ उसका जाप करना है। मंत्र है ओम शनेश्वराय नमः जागरय स्थापय स्वाहा, इसका 21 बार जाप करना है गंगा जल छिड़कते हुए। 3 मिट्टी के दिए, उसमें तेल डालकर, सरसों का तेल डालकर शनिदेव को अर्पित करना है, साथ में गुलाब जामुन, ब्राउन वाले नहीं, ब्लैक डार्क कलर वाले गुलाब जामुन का प्रसाद चढ़ाना है। मैं आपको लगातार बताऊंगी कि आपके बच्चों को हम कैसे बनाएं जीनियस। कल मैं आपको, बच्चे बड़े हों या छोटे, आप हों या बच्चे, हम कल जीनियस बनाने वाली एक मुद्रा बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको आज मैं थोड़ी देर में राशियां बताऊंगी कैसे हम उनको और बेहतर कर सकते हैं, उनके दिनों को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन आपका किचन का परफेक्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो जानते हैं किचन में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। आपके घर के साउथ ईस्ट में हमेशा किचन होनी चाहिए, जिसको अग्नेय कोण बोलते हैं। अगर इस डायरेक्शन में किचन होती है तो आपके यहाँ लिक्विड कैश की कभी कमी नहीं आती, क्योंकि घर में अलग अलग देवताओं का वास होता है, और अलग अलग देवताओं का वास होता है तो जब साउथ ईस्ट में अग्नि देवता का स्थान है और वहीं पे किचन होती है तो वो खुश होते हैं। और अग्नि यानी कि लिक्विड कैश, सबसे ज्यादा गर्मी तो पैसे में ही होती है ना, तो आपके घर लिक्विड कैश की कमी नहीं होती। और उसके अलावा आपके घर में साउथ ईस्ट जो है वो वीनस ग्रहों में शुक्र का कारक है, तो यहाँ पर जब वीनस होता है यानी कि जब किचन होती है तो आपके घर की फीमेल्स की हेल्थ भी बिल्कुल परफेक्ट रहती है। अब अगर आपके घर में नॉर्थ वेस्ट में किचन है तो इससे क्या होगा, इससे आपके सपोर्ट सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ आ जाएगी, लेकिन आप व्हाइट स्लैब पर वहाँ पे किचन बना सकते हैं। अब दूसरा सवाल होता है कि किचन में स्टोव कहाँ पर हो। अब किचन कहीं पे भी है, आप कहेंगे मैं तोड़ नहीं सकती भाई, अब हल बताओ, ठीक है कोई बात नहीं, अपनी किचन के साउथ ईस्ट में कम से कम आप स्टोव रखें। इतना काम भी अगर आप कर लेते हैं तो आपके यहाँ काफी हद तक सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर आपके यहाँ पे ये भी पॉसिबल नहीं है तो फिर आप क्या करें कि अपनी किचन में साउथ ईस्ट में एक लाल बल्ब जला दें, ये फायर एनर्जी को बैलेंस कर देगा। और अपने घर में भी साउथ ईस्ट में एक लाल बल्ब जला दें, ये अग्नेय कोण को एक्टिव कर देगा। तो आपका फ्रिज किचन में ही है तो वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए, या फिर और भी अच्छा है वो वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में होना चाहिए, या वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में होना चाहिए। अगर ये सब पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप बस इतनी नटखट बात समझ लीजिए कि किचन में फ्रिज जो है वो नॉर्थ और साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका किचन में फ्रिज नॉर्थ में ही है सपोज कीजिए, तो उसके ऊपर नीले रंग का कपड़ा डाल दीजिए। साउथ ईस्ट में घर के फ्रिज है तो उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा डाल दीजिए, एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। किचन में खिड़कियों की जगह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके गैस के ऊपर बिल्कुल खिड़की अगर हो तो वेंटिलेशन के हिसाब से अच्छा है, लेकिन अगर उसमें से व्यू अच्छा नहीं आ रहा तो आपके माइंड के लिए अच्छा नहीं है। आपके किचन में ईस्ट में या नॉर्थ में अगर खिड़की है तो वो अच्छी मानी जाती है, खिड़की नहीं है कोई बात नहीं, किचन के नॉर्थ या ईस्ट में एक लैंडस्केप का पोस्टर लगा दीजिए, आपके लिए खिड़की का काम करेगी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपका भाग्यांक हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट कर होगा क्या, आपके भाग्यांक के हिसाब से आपको बताऊंगी सक्सेस मंत्र, शॉर्टकट प्रिसाइज सिर्फ आपके लिए। लेकिन उससे पहले 4 राशियों की बात करते हैं। सिंह राशि वाले लोग कल के दिन किसी एक गरीब बच्चे को कुछ न कुछ खिलाएं, लेकिन आपको नमकीन खिलाना है, मीठा नहीं खिलाना है। आपका लकी समय रहेगा कल सुबह 7:10। कन्या राशि वाले कल झूठ बोलेंगे तो कौवा काटेगा, जी हाँ झूठ बोलेंगे, पकड़े जाएंगे, लंबे फंसेंगे, अवॉइड करें। लकी समय है 3:19, लेकिन आज 3:19। तुला राशि वाले लोग कल किसी से भी विश्वास में किसी भी चीज के लिए हाँ ना बोलें,
सोच समझ कर कल कोई भी कमिटमेंट देनी है। लकी समय होगा कल सुबह 8:14। वृश्चिक राशि वाले लोग कल फ्रेंड्स के साथ ज्यादा मेल मिलाप रखेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फ्रेंड्स के साथ आ जाएगी। लकी समय है दोपहर को 12:45 कल। जानते हैं आपके लिए स्पेशल आपका सक्सेस मंत्र। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि भाग्यांक आपको कैलकुलेट कैसे करना है। अब जैसे सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ है 18 दिसंबर 1982 1819 इन सारे नंबरों को जोड़ दीजिए। जब आप सारे नंबरों को जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 5। ऐसे ही आपका भी कोई भाग्यांक होगा तो आपको आपका भाग्यांक कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को ऐड करना है। जैसे अगर 1982 है तो सिर्फ 82 को ऐड नहीं करना, 1982 को ऐड करना है। अगर 2004 में किसी का जन्म हुआ तो सिर्फ 04 को ऐड नहीं करना, 2004 कंप्लीट को ऐड करना है, भाग्यांक निकल आएगा। तो अब आपका भाग्यांक अगर 1 है तो आपका सक्सेस मंत्र ये है कि आप एक ही ब्रांड की चीज ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और दूसरों की जरूरतों का भी ध्यान दें। किसी भी चीज जो आपको लगता है कि आपके लिए संभव नहीं है उसको संभव किया जा सकता है जब आप उसी चीज का दान करें। अब उनके लिए बताती हूँ जिनका नंबर है 2, ध्यान दें। किसी भी चीज जो आपको लगता है कि आपके लिए संभव नहीं है उसको संभव किया जा सकता है जब आप उसी चीज का दान करें। अब उनके लिए बताती हूँ जिनका नंबर है 2, अपनी सोच को स्टेबल रखें, रोज अपने कपड़े बदला करें, रोज अपने बच्चों को कहें कि वो दूध का दान करें या आप भी दूध का दान किया करें। अब बात करते हैं भाग्यांक है जिनका 3, आपको सिर्फ अपने ही बेसिक नेचर को करना है, मतलब दूसरों के हिसाब से अपने आप को बदलते मत रहिए, लेकिन दूसरों की राय लेकर अपने एफर्ट्स को, अपनी सोच को, अपने गोल्स को आप बड़ा जरूर कर सकते हैं, लेकिन अपने नेचर को इंटैक्ट रखिए। नंबर 4 जिनका भाग्यांक है 4, वो अपनी जरूरतों के हिसाब से खर्चा करा करें, कंजूसी नहीं करें, सोने की कोई ना कोई चीज जरूर पहना करें। जिनका भाग्यांक 5 है वो किसी ऐसे इंसान जो हैंडीकैप हो उसकी मदद जरूर करें। पीले रंग के फूल अपने जीवन साथी को, अपने लवर को आप महीने में एक बार जरूर भेंट किया करें, आपके झगड़े नहीं होंगे। जिनका भाग्यांक 6 है वो दकियानुसी, पुराने विचार और बेकार की बातें और इन सब चीजों से दूर रहें, और जब भी काम करना है तो गत्तेदार कुर्सी यानी कि सॉफ्ट स्पॉन्जी चेयर पे बैठना है, हार्ड चेयर पे नहीं बैठना है। जिनका भाग्यांक है 7, वो रोज अपने माथे के यहाँ पर रौली का तिलक लगाया करें और अंधविश्वास में बिल्कुल ना फंसे। जिनका भाग्यांक 8 है वो हरे रंग का हैंडकरचीफ अपने पास हमेशा रखा करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। जिनका भाग्यांक 9 है वो आंखों में कोई ना कोई सुरमे का प्रयोग जरूर किया करें, नहीं कर सकते कान के पीछे लगा लिया कीजिए, नजर ही आपकी दिक्कत में आ जाती है, और हो सके तो स्टूडेंट्स की मदद जरूर किया करें। अगर आपके होंठ रूखे हैं, काले हैं, तो कल हरा धनिया इन पे कमाल दिखाएगा। कैसे ये तो आपको कल ही देख के पता चलेगा। आपको राशियां भी बताने वाली हूँ, लास्ट 4 राशि वाले बहुत देर से वेट कर रहे हैं, लेकिन पहले आपके डार्क सर्कल्स को ठीक करते हैं। डार्क सर्कल के लिए क्या करें कि आंखों के नीचे जो झुर्रियां हैं, जो डार्क सर्कल्स हैं, उसके लिए बादाम का तेल, उसमें थोड़ा सा हनी मिलाकर इस पर लगाएं। रात भर रात आंखों पर रहने दे सकते हैं या आधे घंटे बाद उसको अच्छे से रब करके धो लीजिए, डार्क सर्कल्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। अगर लिप्स काले हैं तो क्या करें, इसके लिए केसर के रेशों को, मतलब थोड़ा सा सैफरन केसर लेना है, उसको कच्चे दूध की मलाई में भिगो लें, इसको अच्छे से रब कर लें, रात को सोते समय लिप्स पर लगाएं, हल्की मसाज करें और सो जाएं। धीरे धीरे आपके लिप्स पिंक होने स्टार्ट हो जाएंगे। एक काम और कर सकते हैं कि कच्चे दूध की मलाई में, यानी कि कच्चे दूध की जो मलाई है उसमें गुलाब की पंखुड़ियों को पीस कर लिप्स पर लगाकर सोते हैं, इससे भी आपके लिप्स नेचुरली पिंक हो जाते हैं। तीसरा महा उपाय जो आपका तनाव करेगा दूर, आपके मन को देगा शांति, डिप्रेशन को करेगा छुमंतर, आपको बताने ही वाली हूँ, लेकिन पहले लास्ट की 4 राशियाँ। धनु राशि वाले लोग कल मूड पर कंट्रोल रखें, मूड कंट्रोल में ना हो कोई बात नहीं, एक काम करें, मोटी इलायची को थोड़ा से पानी में उबालकर कल पीकर जाएं।
आपका लकी समय है कल सुबह 11:42। मकर राशि वाले लोग कल हनुमान मंदिर में नारियल रखकर काम पर जाएं, दिन रहेगा बहुत अच्छा। लकी समय आज शाम 5:07। कुंभ राशि वाले लोग कल 7 पॉजिटिव कोट्स पढ़ेंगे, जी हाँ आज डाउनलोड करेंगे, कल सुबह उठते ही 7 पॉजिटिव कोट पढ़ेंगे या दिन के बीच बीच में पढ़ेंगे। आपका लकी समय रहेगा आज शाम 5:17। मीन राशि वाले कल प्रैक्टिकल होने की कोशिश करेंगे और अगर आपको प्रैक्टिकल होने में मुश्किल आए तो कल आप अपने इष्ट मतलब जो आपके बृहस्पति देव हैं उनको 2 बार याद कर लीजिएगा, आपका दिन अच्छा गुजरेगा। लकी समय होगा कल सुबह 11:52। तीसरा महा उपाय जो आपके डिप्रेशन को करेगा दूर, कर रहा है आप ही का इंतजार, लेकिन पहले जानते हैं कि आप मुझसे कैसे बात कर सकते हैं। वो खास तरीका, आप हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए जो है familyguru@ikvnewsindia.com। अपनी प्रॉब्लम 150 वर्ड्स में मुझे लिखकर भेज दीजिए, साथ में अपनी बर्थ डिटेल्स, अगर वो नहीं है तो हाथ चेहरे हैंडराइटिंग की फोटो, और हमें इंतजार रहता है आपके सुझाव आपकी शेयरिंग्स का। आज हम दिल्ली से रितु का सवाल लेते हैं। रितु एक्टिंग फील्ड में जाना चाहती हैं, करियर को लेकर चिंतित हैं, रितु से बात करते हैं। रितु आप परेशान ना हो, लेकिन आपकी शुरुआत छोटे छोटे रोल से होगी, आप अपनी जगह को बदलने की तैयारी रखें और घर में कन्विंसिंग पावर अपनी रखें। गले में 5.25 रत्ती का ओपल पहन लीजिए या और भी अच्छा है उसको अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर पर पहन लीजिए, सिल्वर के अंदर या 5 धातु के अंदर, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेंगी। जानते हैं तीसरा महा उपाय। तीसरा महा उपाय आपका तनाव करेगा दूर, जिंदगी में लाएगा शांति। आपको 5 लाल फूल किसी मिट्टी के बर्तन में गेहूं के साथ रखकर घर की छत पर ईस्ट के कोने में मंगलवार को ढककर रख देने हैं। गुलाब के फूल मिट्टी की उसमें मटके में मंगलवार को घर की ईस्ट डायरेक्शन में ढककर रख देने हैं, उसे आपको छूना नहीं है। नेक्स्ट मंगलवार को ये सारे के सारे निकालकर गेहूं को छत पर फैला दें, फूलों को घर के मंदिर में छुपाकर रख दें, आपके जीवन के सारे तनाव दूर हो जाएंगे और जिंदगी में शांति आएगी। आज तक तो आपने पढ़ा था बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, कल आप अपने आप को बुरी नजर से बचाएंगे क्योंकि उसको बचाने के खास उपाय कल मैं आपको दूंगी। आपके ब्लैक लिप्स को कल करेंगे पिंक हरे धनिये से, साथ में टमाटर आपकी सब्जी में नहीं आपकी जिंदगी में भी रंग बिखेरेगा, जी हाँ टमाटर जिंदगी में प्यार बढ़ाएगा, कैसे ये तो कल बताऊंगी। साथ में 3 महा उपाय आपके लिए होंगे, आपकी राशि के हिसाब से आपके दिन को करेंगे परफेक्ट और ढेर सारे सीक्रेट्स भी आपके लिए कल लेकर आऊंगी, तो कल इसी वक्त आप मेरा इंतजार कीजिएगा, मैं तो आपका करती ही हूँ। अच्छा खाना खाइएगा, जैसा अन्न वैसा मन, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।